लोगों के लिए सोशल मीडिया जहां परिचितों और अपरिचितों से जुड़ने का बेहतरीन जरिया है, तो वही कई बार सोशल मीडिया के जरिए जुड़े अपरिचित या कुछ अनजान लोग आपके लिए जी का जंजाल बन सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला शहर की एक 22 वर्षीय युवती के साथ पेश आया है, जहां टेलीग्राम द्वारा अश्लील मैसेज भेजकर एक आरोपी युवती को परेशान कर रहा था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी छत्तीसगढ़ का निवासी है। पकड़ा गया आरोपी निखिल हरिमोहन गुप्ता, उम्र 24 वर्ष, छत्तीसगढ़ का निवासी है। साइबर पुलिस थाने में 22 वर्षीय पीड़ित युवती की शिकायत पर 4 जुलाई को विनय भंग और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पर मामला दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती 3 जुलाई को जब अपने घर पर मौजूद थी, उसी दौरान उसके मोबाइल फोन पर तड़के टेलीग्राम पर एक मैसेज आया। इस मैसेज में एक लिंक भेजा गया था जिसमें वीडियो था, हालांकि पीड़िता ने उसमें मैसेज को खोलकर नहीं देखा था। वहीं इसके बाद दोपहर के समय दोबारा पीड़िता के टेलीग्राम अकाउंट पर एक लिंक आरोपी ने भेजा, जिसमें अश्लील मैसेज और वीडियो तथा कुछ फोटोज भेजे गए थे। इसे देखते ही पीड़िता ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस से कर दी। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी को छत्तीसगढ़ में जाकर गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित करीबन 1 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। मामले में यह भी खुलासा हुआ कि साल 2014 में शिकायतकर्ता युवती और आरोपी चैट अड्डा नामक वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे, जिसके बाद ये दोनों गूगल चैट पर भी एक दूसरे से बात किया करते। उसी के बाद ही दोनों में फोन नंबर्स की भी अतला बदली की गई। जानकारी मिली है कि युवती के कुछ अकाउंट्स के पासवर्ड भी आरोपी के पास थे, जहां युवती ने अपने कुछ निजी फोटोज रखे हुए थे। इसके बाद से ही आरोपी के युवती को परेशान किए जाने की बात सामने आ रही है। दिनांक 3/7/2023 रोज पुलिस थाने साइबर नागपुर शहर येथे एक 22 वर्षीय मुलीने तक्रार दिली की तिचे मोबाईल वरती टेलिग्राम ॲपवरून नोटिफिकेशन आले। redgift.com याची एक नोटिफिकेशन त्यामध्ये होती आणि त्यामध्ये तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओज होते। त्यावरून महिला पी एस आय जगतापीने आपल्या इथे गुन्हा दाखल केलेला होता 57/23। टेलिग्राम ॲपचे जे आरोपीचे डिटेल्स आम्हाला भेटले होते, त्यावरती आमच्या येथील तांत्रिक काम पाहणारे पोलीस शिपाई सुशील आणि रोहित यांनी काम केलं। 2 फल्केन आणि झूम ह्या 2 आयडी होत्या। त्या आयडीची टेलिग्राम ॲपवरून माहिती प्राप्त झाली आणि त्यावरून एक आरोपी निखिल हरिमोहन गुप्ता, वय 24 वर्ष, राहणार तो आहे सलका अधिना, सूरजपूर, छत्तीसगड, हा निष्पन्न झाल्याने आमच्या येथील API बागुल आणि रवी आणि कराड असे 2 कर्मचारी हे तपास कमी केले होते। त्यांनी आरोपीस शोध घेऊन अटक आमच्या समक्ष हजर केली आणि 10 तारखेला अटक केलेली आहे। आरोपी याचं मान्य न्यायालयात हजर करून 2 दिवस पोलीस कोठडी घेऊन तपास करण्यात आलेला आहे। गुन्ह्यात वापरलेले मोबाईल, लॅपटॉप जप्त करण्यात आलेले आहेत आणि आरोपीकडे त्या गुन्ह्याच्या संबंधाने तपास करणे सुरू आहे। इस मामले में आरोपी को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। साइबर पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है, पर इस तरह की वारदातें हर बार यह सीख देती है कि सोशल मीडिया की ओर जरूर बढ़े, पर इसके जरिए जुड़ने वाले हर एक अनजान व्यक्ति पर जल्द से जल्द भरोसा ना करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय अपनी निजी किसी भी चीज को लेकर सतर्कता बरतें। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ तकसान सारी की रिपोर्ट।